हेलो दोस्तों आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आज से कोई पचास साल से भी ज़्यादा पुराने ट्रैक्टर की जिसे डी टी ठाई बोलते हैं इस ट्रैक्टर की ये वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो होने जा रही है अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि इस ट्रैक्टर में कितनी तकनीक आज से पचास पचपन साल पहले दी दी गई थी तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को देखते देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना क्योंकि ट्रैक्टर वीडियो पर ऐसे ही ट्रैक्टरों की वीडियो आती रहेगी जो ट्रैक्टर वीडियो चैनल है हमारा तो इस पर ऐसी ही वीडियो आती रहेगी तो आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस वीडियो को तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस ट्रैक्टर के कुछ पार्ट्स की तो सबसे पहला पार्ट्स अगर हम आपको बताएं तो इसका लेफ्ट पंप जो कि सामने आप देख रहे हो ये लेफ्ट पंप है इसका और इसमें भी एक गेयर आता था कि इसे आपने न्यूट्रल करना है या चलाना है तो ये देखिए ये इसका लिफ्ट पंप है इसे आप बंद भी कर सकते हो अगर आपने लिफ्ट से काम नहीं लेना है तो ये गेयर है इसका अभी इसको बंद किया गया है ये अभी वर्क नहीं कर रहा है अगर आप हाथ हाथ के पास ही आपके ये गेयर है ये देखिए तो अगर आप इसे न्यूट्रल करना है न्यूट्रल कर लो और वर्क में लाना है तो वर्क में ला सकते हो बहुत ही शानदार तकनीक है और इसकी जो टंकी है जो इसके तेल की टंकी है लिफ्ट पंप के वो आगे आती है रेडिएटर के भी आगे आती है वो वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ तो बहुत ही बढ़िया तकनीक दी गई है इसमें और ये दो सिलेंडर ट्रैक्टर है और ख़ास बात इसकी और है कि ये पेट्रोल पर चलता है अगर आप इसे स्टार्ट करना चाहो तो पेट्रोल पर स्टार्ट होगा तो उसके बाद ये डीजल पर हो जाता था ये इसका स्पीडोमीटर है ये देखिए यहाँ पर इसका स्पीडोमीटर आता था कि कितने आवर ये चल चुका है ये अभी तो बंद हो चुका है क्योंकि अभी नया मिलता नहीं ये मीटर तो इसकी तकनीक ऐसी थी कि यहाँ पर ही मीटर लगाया गया था कोई भी आपको अलग से वायर नहीं कुछ नहीं लगानी पड़ती डायरेक्ट इसका ये मीटर है यहाँ पर जो कि यहाँ से बताता था कि ये कितने आवर चल चुका है अभी तक तो अभी तो ये भाई ने बताया कि ये अभी ख़राब हो चुका है क्योंकि तो टाइम बहुत हो गया ना पचास साल से ज़्यादा हो गए हैं लेकिन फिर भी भाई ने ज़्यादातर सामान इसका जो है ओरिजिनल रखा है इसमें सिर्फ़ अल्टीनेटर लगाया गया है या एक आदि चीज़ और जो बदली गई है अगर हम बैक साइड की बात करें जो स्विच आज के ट्रैक्टरों में आती है चार्जर वगैरह लगाने के लिए जहाँ जैसे कि कोई लाइट्स वगैरह यहाँ पर लगानी है ये देखिए तब से ये स्विच आती थी लाइट इसकी ये जो ये भी ओरिजिनल है टंकी इसकी डीजल टंकी बैक साइड पर आती थी यहाँ पर ये देखिए बहुत बड़ी इसके बीच एक गेज भी आती थी जिससे आप इसकी डीजल को चेक कर सकते हो कितना है बड़ी जाली आती थी आपको एक्स्ट्रा कोई भी जाली लगाने की ज़रूरत नहीं तेल बड़ा साफ़ होकर जाता था इसमें तो भाई ने बताया कि वो गेज जो है अभी बीच में जा चुकी है टंकी के वो निकालनी पड़ेगी तो इसके लिए उन्होंने अलग से एक गेज लगा ली है ये ले लिया है तो इससे ये डीजल की मिनती कर लेते हैं कि इसमें कितना डीजल भरा गया और कितना डीजल अभी बाकी है कितना इसमें ख़त्म हो चुका है तो बैक साइड की ये देखो लिंक वगैरह देखोगे तो बड़े बढ़िया तरीके की है ये बहुत बढ़िया तरीके की है ये बैक साइड का जितना भी हिस्सा देखोगे बड़ा शानदार है तो एक बात और भी है इस ट्रैक्टर में ना जाने क्या भरा था कि ज़ोर इतना लगाता था बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा भाई ने ऐसे डेकोरेशन के लिए कुछ लगा लिया सामान नहीं तो ओरिजिनल ट्रैक्टर ही रखा गया है ये तो ऐसे ट्रैक्टर बहुत कम मिलते हैं जैसे कि ये बम्पर वगैरह भाई ने अपने हिसाब से लगा लिया है दूसरी जो लाइट है ये लाइट एक्स्ट्रा लगाई गई है और इसकी दूसरी लाइट जो है वो ओरिजिनल है ये देखिए ये लाइट्स ओरिजिनल है ये डी टी ठाई जैसे कि डी टी चौदह ट्रैक्टर आते हैं ये डी टी ठाई है आज भी ट्रैक्टर मार्केट में बड़े मिल जाते हैं अगर आप लेना चाहो थोड़ी सी कीमत इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि ये ट्रैक्टर आम नहीं है ना अभी ख़ास हो गए हैं क्योंकि ऐसे साफ़ ट्रैक्टर बहुत कम मिलते हैं देखने को तो सिर्फ इसे पेंट किया गया है क्योंकि पेंट काफ़ी ख़राब हो चुका था दीजिए आगे का हिस्सा देखोगे ये देखिए और इसमें जो ख़ास बात आती थी पेट्रोल पर चलने वाली ये देखिए यहाँ पर पेट्रोल डाला जाता है पहले यहाँ से इसे थोड़ा सा खोल दिया जाता है कि हवा के लिए ये स्विच भाई ने अपने आप लगाई है बाद में नहीं तो पहले तो क्या होता था कि वैसे ही वो आगे एक इसका सिस्टम था जिसे आप आ, कुछ भी कह सकते हो रिले कह सकते हो या कुछ और भी कह सकते हो या मैगनेट कह सकते हो वो लगाकर स्टार्ट किया जाता था ये देखिए ये इस, इसकी चौक को खींच लिया गया है जहाँ टस कह लो तो ये उसके बाद स्टार्ट करने के बाद ये स्विच बंद कर दी जाती थी स्टार्ट करने का तरीका मैंने शुरू में ही दिखा दिया है कि कैसे किया जाता है ये उतारना पड़ता था जब इसे स्टार्ट कर लिया तो इसे उतार दिया जाता था लेकिन भाई ने थोड़ा सा अपने आप चेंज करके लगा लिया तो इसका ना लगाने का कारण ये था कि ये ख़राब हो जाता है अगर चलता रहता है क्योंकि साथ में ये घूमता रहता है ये ले वगैरह लगा कर भाई ने लगा तो लिया लेकिन ज़्यादा काम लेना है तो इसे उतारना पड़ता है क्योंकि ये ख़राब हो जाता है ये ऐसा तकनीक है ऐसी दो सिलेंडर ट्रैक्टर है बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है ये आवाज़ आपने शुरू में देख ली कैसी आवाज़ है इसकी कैसे स्टार्ट होता था तो काम भाई ने बताया कि आज से बीस पच्चीस साल पहले इन्होंने ये ट्रैक्टर ख़रीद लिया था उसके पे उससे पहले वो और भी ट्रैक्टर थे इनके पास तो ये ट्रैक्टर खरीद लिया था तो आवाज़ बड़ी दमदार है ये देखिए जैसे जे के होते हैं ना लीवर होते हैं लिफ्ट के तीन लीवर आते थे पहला लीवर था जो वो लिफ्ट के लिए दूसरा लीवर था जो आगे अगर कोई आपने लगाना है प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए तीसरा लीवर बैक साइड के लिए तो तीनों लीवर अलग अलग काम करते थे अगर एक उसमें से कुछ ख़राब भी कर गया तो दूसरे से काम चल जाता था तो ये भी एक बड़ी ख़ास तकनीक है शीट जो होती थी वो बड़ी खुली होती थी यहाँ पर दो आदमी आराम से बैठ सकते हैं ऐसे पेट्रोल इसके साथ रखना पड़ता है क्योंकि तो इसे सुबह एक बार स्टार्ट करने के लिए तो ज़रूरी है ये इसके गियर हैं पी टी ओ गेयर है हाई लो गेयर है अलग अलग ये तीन लीवर दिए गए हैं तो पी टी ओ का गेयर भी दिया गया है बहुत ही शानदार तकनीक दी गई है जैसे कि आप कई बहुत से भाइयों ने ये ट्रैक्टर चलाकर भी देखा होगा तो आज का वीडियो बनाने का मंतव था कि इतने पुराने और इतने अंटीक भी आज भी बहुत से किसान भाइयों ने रख रखे हैं तो आज की वीडियो थी अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए